नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आलू, बैंगन और टमाटर और बड़ी का सूखा सब्जी बनाऊंगी, जिसमें कि सरसों, मर्चा और लहसुन डालकर, जिसे मैं लहसुन, मर्चा और सरसों को पीस लेती हूँ। और उसके बाद मैं गैस जलाकर इसे मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। मेरा कढ़ाई गरम हो गया, मैं तेल डाल देती हूँ। तेल मेरा गरम हो रहा है, तक मैं इन मसालों को, सरसों, मर्चा, लहसुन को पीस लेती हूँ। उसके बाद मैं अदौरी को डाल के भूज लेती हूँ। अदौरी वाला सब्जी बहुत टेस्टफुल होता है, इसे आप लोग बनाइएगा तब इसका स्वाद आप लोग को पता चलेगा। मेरा बड़ी भुना गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं मेथी, मेरा मेथी ब्राउन हो गया, मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। इसके बाद मैं नमक और हल्दी, मैं आलू डाल देती हूँ। मेरा मसाला भुना गया है। उसके बाद बैंगन, बैंगन को मैं चार भाग कर ली हूँ और आलू को एक आलू में चार पांच। टमाटर मैं सबसे बाद में डालूंगी और बड़ी को, क्योंकि अभी डाल देने से सब्जी नहीं गलेगा। इसे मैं एक कटोरी पानी को डाल दूँगी। इसके बाद मैं गैस कम करके मीडियम कर दूंगी और इसे मैं ढक दूंगी। बाद में टमाटर डाल देती हूँ। और अदौरी को डाल देती हूँ और इसे मैं 5 मिनट तक इसे मैं गलने के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद में फिर मैं
इसको भूज कर उतार दूँगी, सब्जी को उतार दूँगी। अभी प्याज में टमाटर मेरा 5 मिनट तक गलेगा। अब मेरा सब्जी बनकर तैयार हुआ, आलू बैंगन टमाटर और अदौरी का। अब मैं गैस बंद करती हूँ और इसे आप लोगों के लिए मैं सर्व करती हूँ। अब देखिए मेरा सब्जी बैंगन आलू टमाटर और अदौरी का सरसों मिर्चा लहसुन वाला टेस्टफुल और बहुत स्वादिष्ट। इसे आप लोग भी बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टफुल लगता है। इसे आप रोटी या चपाती के साथ भी बहुत मज़े से खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।